मैं शर्मिला फ्रीडिया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी सलवार की कटिंग बताऊंगी कि मेरी सलवार क्यों नहीं घूमती। मेरी सलवार ना ही घूमती है, ना ही पोंछे पे गिरती है, और ना मेरी सलवार जो पीछे से उठती है आगे पोंछे पे गिरती है। तो किस तरीके से मेरी सलवार की मैं कटिंग करती हूँ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मैं आपको पहले पैटर्न दिखा दूँ। इस तरह के हमारे पास जो पैटर्न है, ये हमारे पास इस तरह के पैटर्न है पैंटों के। ये रहा पैंट का फ्रंट, ये बैक, और ये कुर्तियों के पैटर्न है। इस तरह से सभी निशान इसमें लगे हुए हैं स्टिचिंग के, और कटिंग मैंने कर दी है। तो जैसे 34 साइज के हिसाब से इस कुर्ते की कटिंग है। इस तरह से हमारे पास 28 छाती से लेके और 46 छाती तक हमारे पास पैटर्न है। जैसे कि आपको पैकेट दिखा दूँ मैं आपको, ये इस तरह के पैकेट है जिसमें 28 नाप से लेके 36 तक। एक पैकेट में आपको 5 नाप मिलेंगे जो आपको 1100 रुपये में मिल जाएंगे, और ये दूसरा है 38 से 46 तक, यानी कि ये इसमें चेस्ट के नाप हैं 38, 40, 42, 44, 46। तो इस तरह से ये दोनों पैकेट है हमारे पास। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, बाहर की सिलाई करते हैं, तो आपको सभी लेने जरूरी है, क्योंकि बाहर की जो सिलाई करते हैं उनके तो कोई भी तरीके की लेडीज आ सकती है। मोटी पतली सभी साइज सभी नाप आपके पास होने चाहिए कि जिसका भी सूट आए उससे उसका सूट आप फर्स्ट से कटिंग कर सकेंगे। जैसे कि इस तरह के जो पैटर्न है अपने कपड़े पे रखेंगे और निशान लगा के कटिंग कर देंगे। स्टिचिंग के निशान इसमें है, तो आपको स्टिचिंग और कटिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, दोनों पैकेट का प्राइस मैंने आपको नहीं बताया। एक पैकेट का 1100 रुपये जिसमें 5 नाप रहेंगे, और दोनों पैकेट का प्राइस 2000 रुपये, यानी कि 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप दोनों पैकेट लेते हैं। तो इसमें सभी नाप आ जाएंगे कुर्तियों के। इस तरह से हमारे पास पैंटों के भी है, ब्लाउज के भी है, और बंद गले की कुर्ती, खुले गले की कुर्ती, सभी साइज अवेलेबल मिल जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कुर्तियों के साथ बाजू फरी मिलेगी। इस तरह से हाफ बाजू, लंबी बाजू, बाजू के आर्म होल की कटिंग करने के लिए, फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए इस तरह से निशान लगाया हुआ मिलेगा। तो बाजू कुर्ती के साथ फ्री मिलेगी, और पॉकेट पैंट के साथ फ्री मिलेगी। अगर आपको सिलाई कोर्स लेना है या पैटर्न लेना है, तो इस नंबर से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और पैटर्न के लिए कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सलवार की कटिंग, मैं 34 इंच की सलवार डालती हूँ। 34 इंच की सलवार के लिए मैं आपको पार्ट कटिंग करना बता दूं। इसी तरह से आप लंबी सलवार के लिए भी पार्ट कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास कपड़ा है। कपड़ा है ये 2.75 मीटर। तो पहले हम करने की साइड से कपड़े की लंबाई है, और इस साइड से चौड़ाई है। कटिंग मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता रही हूँ, एक ही बार में आप समझ जाएंगे कि आप किस जगह पे गलती कर देते हैं। जैसे कि मैं 34 नाप की कटिंग कर रही हूँ, लेकिन सभी साइज के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। आपको जितनी लंबी सलवार बनानी है, जैसे कि आपको 36 बनानी है तो आप 32 इंच के पार्ट लेंगे, अगर आपको 37 बनानी है तो 33 इंच के पार्ट लेंगे। तो इस तरह से आप, इस तरह से आपको जितनी भी सलवार बनानी है उस हिसाब से आप 4 इंच कम पार्ट ले लेंगे। जैसे कि मुझे ये 34 इंच की सलवार बननी है, तो इसके लिए मैं 32 इंच पार्ट ले लेती हूँ, पार्ट यानी कि गोडा। हाँ, तो ये निशान लगाऊं मैं 32 इंच। आप इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, एक इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी कि 32 इंच की बजाय आप 33 इंच ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कपड़े में थोड़ी सी कान आ जाती है, तो एक इंच पार्ट कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं 33 इंच पे। तो आप मान लीजिए कि मैंने 34 इंच सलवार बनानी है, तो 34 इंच की सलवार के लिए मैं 4 इंच कम 30 इंच पे पार्ट कटिंग करूंगी।
30 इंच पे पार्ट कटिंग करूँगी, 4 इंच कम हुआ तो इसमें आप 1 इंच और भी ऐड कर सकते हो, यानी कि कई बार कपड़ा टेढ़ा निकल जाता है तो इसके लिए आप 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। मैं 31 इंच पे पार्ट कटिंग करूँगी, 31 इंच पे पार्ट यानी कि गोडा, यहाँ से कपड़ा उतार लेंगे। और हाँ एक बात और बता दूँ आपको कि कपड़े को आड़े में कटिंग कभी मत करना, कोई भी कपड़ा हो आपको सीधी साइड से कटिंग करना है। जैसे ये कन्नी है इस साइड, तो ये लंबाई की साइड है, इसी तरह से हमारी सलवार खड़ी होनी चाहिए। अगर प्रिंट वाली सलवार है तो उसके लिए अलग से आपको वीडियो मिलेगा, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल का आपको कोई भी वीडियो देखना है तो जैसे कि आपको कुर्ती कटिंग देखना है तो आप ऐसा सर्च करेंगे खुशी बुटीक कुर्ती कटिंग, तो मेरा ही वीडियो आएगा। हाँ ये मैंने पार्ट कटिंग कर लिया, पार्ट नहीं पार्ट के लिए कपड़ा, तो इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे कम मोड़ेंगे, पूरा नहीं मोड़ेंगे। जैसे कि मुझे 6.25 इंच का पोंचा बनाना है तो 6.25 इंच के लिए मैं 6.5 इंच पार्ट ले लेती हूँ। 6.5 इंच यानी कि 13 इंच चौड़ाई, 13 इंच पार्ट के लिए मैं कपड़े की चौड़ाई ले लेती हूँ। देखो इस तरह से मोड़ लेंगे कपड़े को बराबर और यहाँ से कटिंग कर देंगे जहाँ तक मुड़ा हुआ है यहाँ तक। ये बेल्ट में या पोंचे में कहीं पे भी काम आ जाएगा। ये पार्ट कटिंग हो गई, अब मुझे कलियाँ और बेल्ट निकालना है बाकी के कपड़े में से। 6.5 इंच का मैंने गोडा कटिंग कर लिया, अब कली की लंबाई हमें पूरी ही रखनी होगी, यानी कि पूरी लंबाई कली की रखेंगे तो जो पोंचा हम बनाएंगे उसके अंदर कली आ जाएगी। ये है कली के लिए कपड़ा, कली और बेल्ट के लिए, तो इस कपड़े को बचे हुए को डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे। मुझे 31 इंच की कली कटिंग करनी है तो इस कपड़े में हम आधी कली कटिंग नहीं करेंगे, सीधे कपड़े में ही कटिंग करेंगे। यहाँ पे कपड़ा देख लेते हैं कितना है, ये है 39 इंच कपड़ा, तो 31 इंच की कली कटिंग करने के लिए मैं 31 इंच पे निशान लगा लूंगी। तो चलो मैं आपको काउंटर पे ही दिखा देती हूँ। दूसरी साइड से कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, देखते हैं कान है कि नहीं या कटिंग हुआ है कैसे है। तो दोनों साइड की कन्नी बराबर करके देख लेंगे ऐसे, देखो यहाँ तक आ रहा है, तो इसमें आसन बचा है 6.5 इंच। यहाँ पे मैंने कली के लिए निशान लगाया, दूसरी साइड हम 6.5 इंच का आसन रख लेंगे। अब इस निशान को और इस निशान को हम मिला लेंगे बिल्कुल बीच सेंटर में सीधा, इंची टेप रख के भी मिला सकते हैं ऐसे। हाँ ऐसे इंची टेप रख के आप बीचों बीच निशान को मिला लेंगे। और इस निशान को हम कटिंग कर लेंगे। अब चारों कलियों को इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आसन बचा था 6.5 इंच, तो हमें आसन रखना है 11 इंच, यहाँ पे 11 इंच आ रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से जो छोटी मोटी कलियाँ दिख रही है यहाँ से, तो बराबर कर लेंगे कटिंग।
अब ऊपर से कपड़ा बराबर नहीं है तो इसको बराबर कर लेंगे। ये हो गई सलवार की कटिंग, ये कली और ये है पार्ट। ठीक है, अब देखो घेर कितना बन गया है, 3.25 मीटर में हैवी पटियाला सलवार बन गई है। देखो बहुत अच्छी लगेगी पहनी हुई। और अब मैं आपको बेल्ट के बारे में बता दूं, ये जो कपड़ा निकला पार्ट के साइड से, गोड्डे के साइड से, इसमें हम देखेंगे कि बेल्ट हमें कितना बनाना है। मुझे 24 इंच का बेल्ट तैयार करना है तो यहाँ पे 25 इंच आता है, तो यहाँ पे निशान लगा के कपड़ा मोड़ लेंगे। अब इतना कम पड़ता है बेल्ट, यहाँ पे चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए, मैं 7 इंच रख रही हूँ। और बेल्ट आपको जितना चाहिए अपनी हिप के हिसाब से रखिए, जितनी कुर्ती की हिप है उससे आप 2 इंच खुला रखिए। अब देखिए ये जो आसन की साइड से निकला कपड़ा, आसन बनाने के लिए इस कपड़े को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे बेल्ट भी पूरा हो जाता है ऐसे। और ये जो कपड़ा बचेगा ये हम पोंचे में लगा लेंगे। तो इस तरह से ये सलवार की कटिंग हो जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पैटर्न वाला वीडियो देखना है तो ये रहा वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।